السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أو ہم نے انسان کو اس بات کا حکم حسن سلوک کرے और अगर इस बात की कोशिश करें कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओ तो तुम उनकी बात को न मानो तुम्हें मेरे ही पास लौट कर आना है और तुम जो कुछ करते हो मैं तुम्हें उसका बदला दूंगा नाजरिन कराम सूर्न कबूर की आयत नंबर आठ है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को जिस बात का हुक्म दिया उसका जिक्र किया कि हमने इंसान को इस बात की वसीयत किया वसीयत कहते हैं किसी अहम और ज़रूरी आर्डर को ज़रूरी पैगाम को ज़रूरी पैमान को तो फरमाए कि इंसान से अल्लाह एक बड़ा अहम पैमान ले रहा है कि तुम वालदान के साथ हुसन सलूक करना वालदे इंसान की ज़िंदगी का सरमाया है दुनिया में वालदे से बड़ी कोई नमत नहीं इसीलिए अल्लाह ने जगह जगह कुरान करीब में उनके साथ साथन सलूक का हुक्म दिया रब हम हुमा कमा रबानी सगीरा दूसरी जगह फरमाया कि कदा रब का इल्ला इयाह और तुम्हारे रब का यह हुक्म है ये फ़ैसला है कि इबादत सिर्फ उसी की करो व बिलवाल एहसाना और वालदे के साथ उसने सलूक करो और फिर कहा कि अगर उनमें से कोई एक या दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें डांटो झड़को नहीं उफ भी मत करो तो उन्हें करके आकर उफ भी मत करो ये भी नहीं करे बुढे ने आजिज़ज़ कर दिया क्या तमाशा है बार बार उठा रहे हैं जगा रहे हैं यानी इतना भी नहीं कह सकते डांटना झड़कना तो दूर की बात है वक़ुल्लम कल करीमा उनसे भली बात कहो इसलिए बाज़ बाज़ाह लिखा कि बाप एक ऐसा दरख्त है जैसे दरख्त फल देता है लेकिन अगर फल नहीं देता तो साया ज़रूर देता है तो बाप का वजूद एक बड़ी नेमत है इंसान के लिए सायादार दरख्त की तरह से है माँ की दुआएँ माँ की नेक तमन्नाएँ बंदे की कामयाबी का ज़रिया होती हैं तो इंसान चाहे जिस बुलंदी पर पहुंच जाए जितना भी बड़ा काबिल हो मुल्क का दुनिया का सबसे बड़ा हुदा और मनसब पा जाए लेकिन उसे अल्लाह के साथ किया गया ये जो पैमान है कि वसान अभी वालई हुसना अपने वालदे के साथ तुम्हें सलूक करना है अच्छा सलूक करना है चाहे जितनी भी बड़ी तुम्हारी मकबूलियत बढ़ जाए वालदे के साथ अच्छा सलूक करो अरब के अंदर सऊदी अरब में जो बड़े हैं उनका जब दर्स होता है तो अरब का एक तरीक़ा यह है कि उलमा की या बड़े बुजुर्गों की पेशानी या सर का लोग बोसा देते हैं मोहब्बत में हम लोग देखते हैं कि जब वो मशाक हैं बड़े जब वो मसंदे दर्स पर बैठते हैं या उठते हैं तो तलबा वो भी तलबा पढ़ने वाले ऐसे भी नहीं कि ये हमारे प्राइमरी और हाई स्कूलों के तलबा वो तलबा भी अक्सर व बेशतर ऊँची पोस्ट पर पो है, होते हैं पीएचडी होते हैं जुक्त होते हैं मगर उन उलमा के शागिर्द होते हैं वो आते हैं उनकी पेशानियों को चूमते हैं अगर कहीं उस दरस में उनके वालद होते हैं किसी बड़े शेख के वालिद तो आप देखिए कि वो शेख अपने वाल की पेशानी चूमते हैं क्योंकि जिस तरह शागिर्दों के लिए उस्ताद बड़ा है उसी तरह उस उस्ताद और शेख के वालिद मौजूद हैं ये मंजर हम अपनी आँखों से देखते हैं कि वालिदैन या वालिद का क्या मक़ाम होता है सलूक का अल्लाह ने हुक्म दिया हाँ एक बात अल्लाह ने उसी एग्रीमेंट और पैमान में कह दी कि वालिदैन का मकाम बहुत बड़ा है लेकिन मुझसे बड़ा नहीं है अगर वो ये कहें कि मेरे साथ शरीक करो किसी को जाओ चादरें चाह जाओ फला जगह जाओ फला जगह जानवर ब कर लो फला देवी देवता को खुश करने के लिए जानवर ब कर लो फला दरगाह को जाकर पुकार लो वहाँ या गौ साल मदद कर लो या जो शिरक के मज़ाहिर हैं उन पर पहुँच जाओ तो ऐसे सूरत में उनकी बात न मानो क्यों अब वहाँ पर उनका हुक्म नहीं चलेगा अल्लाह का हुक्म चलेगा तो फरमाए कि उनके साथ हुसन सलूक करो ये है वालदे के मकाब इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने वालदन के साथ हुसन सलूक का जहां जिक्र किया वहीं ये भी कह दिया कि जब वो शिरक़ की दावत दें तो उनकी बात को ना मानो ख़ुद अल्लाह का हुक्म है अल्लाह के नबी का हुक्म है क्यों ऐसा कहा गया ये इतनी सख्ती क्यों बरती गई इसलिए कि वालदान के साथ हुसन सलूक करना एक ने है नेकी का बदला कौन देगा अल्लाह ताला और वालिदैन की बात मान करके अल्लाह के साथ शिर्क करना एक गुनाह है और उस गुनाह की सज़ा कौन देगा अल्लाह ताला तो कहा गया कि इले मर जे तुम सब मेरी तलब पलट करके आओगे हुसन सलूक का ये मतलब नहीं कि मेरी नाफरमानी करके उनकी फरमान बरदारी करो फोनब बेकुम बेमा कुम नेकी का बदला कौन देगा बुराई के बदला का बदला कौन देगा अल्लाह ताला देगा तो वालदे को यह मकाम नहीं दिया गया कि अल्लाह को नाराज़ करके उनको खुश किया जाए क्योंकि अमल का बदला अल्लाह ताला देगा वालदे के साथ उसने सलूक किया जाएगा इसीलिए अल्लाह ने इस आयत में वालदन के साथ जहां उसने सलूक का हुक्म दिया वही ईमान बिल आखिर का जो है पैगाम दिया कि आखरत पर ईमान हमारा मजबूत होना चाहिए इसलिए कि उसी लिहाज से हमें बदला मिलेगा इस आयत में अल्लाह ने पहला जो हुक्म दिया वालदे के साथ हुसन सलूक का हसन सलूक ज़बान से होता है अमल से होता है किरदार से होता है उनको अच्छी बात की ज़रूरत है तो अच्छी बात कीजिए उनकी खिदमत की ज़रूरत है यहाँ से वहाँ ले जाना उठाना बैठाना खिदमत कीजिए पैसे की दवा इलाज की ज़रूरत है कपड़े लत्ते की तो कपड़े लत्ते की दीजिए यानी जबान से किरदार से अमल से हसन सलूक की कई सूरतें हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा उठा कर के फेंक दिए तो हुसन सलूक हो गया खिदमत हो गई नहीं बाज़ वालदे तमन्ना करते हैं कि उनके बेटे उनसे गुफ्तगु करें एक ज़ीफ़ आदमी का वाक़ अभी नषर हुआ था मोबाइल की दुकान पर अपना मोबाइल ले गया कहा कि इसकी मरम्मत कर दो इसमें कॉल नहीं आ रही है उसने उसको चेक किया कहा मोबाइल तो सही है कॉल आ रही है देखो लगाया उस बुढ़े ने कहा रहे जब मेरा मोबाइल सही है तो फिर मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती यानी ये है बाप का जहन कि मोबाइल है और बेटे के फ़ोन का बेटे के कॉल का इंतज़ार करता है कि बेटा गुफ्तगु करे मैं कुछ दिल की बातें कहूँ कुछ उसे बताऊँ अपने तजर्बात बताऊँ तो बाप और या माँ या बाप उनसे जुड़े रहने का हुक्म दिया गया पहला मसला दूसरा मसला अल्लाह आलमीन शफीक और रहीम है बंदे के साथ और यह जो हुकुम दिया अल्लाह ने बंदे को वालदे की इताअत का बंदे के साथ शफक़त और रहमत के लिए कि बंदा इस रास्ते से मेरी रहमत को पालेगा रब फी रिज़ल वालिदैन वह सख्त हो फिर सख्त हिमा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जब तक बंदे के माँ बाप राज़ी होते हैं अल्लाह ताला उसी वक्त तक राजी होता है और जब माँ बाप नाराज़ होते हैं तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है तो रहमत को पाने का एक जरिया अल्लाह ने वालदान की इत बता दिया तीसरा मसला वालदे का हक़ है उनके साथ हुसन सलूक किया जाएगा अगर वो काफिर होंगे तो भी उसने सलूक किया जाएगा यानी किसी के माँ बाप गैर मुस्लिम है यहूदी नी है, है गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं बुद्धिस्त हैं उसको अल्लाह ने इस्लाम की नेमत दे दी तो उनका कुफ़्र उनके साथ है उनके कुफ़र की पैरवी नहीं करेंगे लेकिन वालदे या वालिद होने की वजह से उनके साथन सलूक करेंगे तो वालदे का हक है गरचे वो किसी दूसरे दीन पर हों उनके साथ हुसन सलूक किया जाएगा चौथा मसला कि अल्लाह की नाफरमानी करके वालदे की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी इसलिए कि मखलूक की फरमाबरदारी और मखलूक को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं किया जाएगा वालदे में से अगर किसी के माँ बाप कहें कि तुम बेटे को अपनी बीवी को तलाक दे दो एक मसला इमाम मोहम्मद बिल्बर के ज़माने में आया कहा कि मेरे वालिद ने कहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ दे दूँ इमाम अहमद बिनहबर रमतल ने कहा कि उसे तलाक मत दो तो उस नौजवान ने कहा कि क्या उमर बिन खत्ताब रज़ील्ला उन्होंने नहीं कहा था अपने बेटे से कि अपनी बीवी को तलाक़ दे दो तो अहमद कहा यह बताओ कि क्या तुम्हारे बाप उमर बिन खत्ताब हैं कहा नहीं कहा फिर तलाक मत दो हाल ज़मीन सूरत हाल देखी जाती है किसी झाती अदावत की वजह से अगर कहेंगे नहीं उसको छोड़ दो बीवी को नहीं मानी जाएगी बात घरों को तबाह नहीं किया जाएगा उबर बिन खत्ताब सहाबी थे इहाम था उनके ऊपर अल्लाह के वाले थे उनका मकाम उनकी शान अलग है उनकी हमत अलग है अब हर बाप कहे कि हज़रत उमर ने तलाक दिलवाया था मुझे अथॉरिटी है नहीं इमाम महमद बिलहर रहमत लिया ने उसे मना कर दिया इस वाक़े को तबकातुल हनाबेला जिल्द देख सफा एक सौ इकहत्तर में जिक्र किया गया है पाँचवा मसला अल्लाह का हक सारे हकूक़ कर हकूक़ पर मुक़दम है छठा मसला इंसान को मरने के बाद अपने अमल के साथ अल्लाह के यहाँ पेश होना है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालदे के साथ हुसन सलूक की तोफ़ी अता फ़रमाए और वालदान की खुशनुदी रजामंदी और एतात के ज़रिए अल्लाह हमें अपनी एतात और खुशनुदी अता फ़रमाए आमीन वसल नबी महमद वही वसबैन वसलम आलैक्म वरम वर्क दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें